हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे फोटोशॉप में हेयर को कलर करते हैं। आपको ये इमेज ओपन हुई है, आपको दिख रहा होगा कि हेयर कलर किया गया है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कैसे फोटोशॉप के अंदर हेयर को कलर करते हैं। ये हमारा फोटोशॉप ओपन हो गया है। सबसे पहले हम फोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए हम किसी फोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं। फोटो हमारी सेलेक्ट हो गई। इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और जूम करने के लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल और प्लस प्रेस करेंगे तो ये जूम होता चला जाएगा। इसके बाद हम क्या काम करेंगे, पेन टूल यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और पेन टूल सेलेक्ट करने के बाद इसको हम थोड़ा अच्छे से, जितना अच्छा आप सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी एरिया छूटना नहीं चाहिए। ऐसे सेलेक्ट करने के बाद से माउस से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे मेक सिलेक्शन का ऑप्शन दे रहा है, इस पर जाएंगे। जाने के बाद ओके कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे लेयर मेनू मिल जाएगा। लेयर मेनू पे जाने के बाद यहाँ पे न्यू फिल लेयर का ऑप्शन दे रहा है, इस पर जाने के बाद सॉलिड कलर पे क्लिक करेंगे और आप अभी से चाहो तो मोड को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जाने के बाद आप सॉफ्ट लाइट कर दीजिए और ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद ये देखिए रेड कलर यहाँ पे हमारा सेलेक्ट है, तो रेड कलर फिल हो गया। आप अगर आप चाहें तो ब्लू कलर भी फिल कर सकते हैं। ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अब आपको कुछ लग रहा होगा कि हाँ, हमारा हेयर कलर हो गया, लेकिन इसके अलावा भी आप यहाँ से ओपेसिटी को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जिस हिसाब से आपको जितना कलर दिखाना है, जितना डार्क और जितना सॉफ्ट, उस हिसाब से आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप यहाँ पे मोड को चेंज करके भी आप देख सकते हैं कि कौन सा आपको अच्छा लग रहा है। डार्कन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं।